वाइस होना चाहिए। तो एक ये समझने का फेर है हम लोग का कि हम लोग इन सब चीजों पर चर्चा ही नहीं करता। हमारा हम लोग सीमित है, मैंने एक किसी छोटा सा कंपनी है उसमें 10,000-12,000 के रोजगार पर हम लोग सीमित है। तो बस एक हाँ बोल। अच्छा कुत किने रे चिट्ठी 22 गड़ पहुंची छे ना कुता गस छे। अच्छा ठीक है, तो पहुंची छे पहुंच। सो दोस्तों, आनंद का नया वीडियो में आपका स्वागत है। तो सो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में काफी वर्ष के बाद एक संघर्ष के लिए आवाज उठा है, जो कि ये स्टूडेंट के माध्यम से उठा है। तो ये आवाज उठा था धनबाद बोकारो से और अभी पूरा झारखंड में फैल चुका है। तो उसी के वार्तालाप करने आ रहा है टाइगर जयराम महतो, धान चटानी के जो स्कूल है वहीं पे वार्तालाप होगा। तो दोस्त ने फोन किया था कि पहुंच चुका है, तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं और आप लोगों को बातें दिखाते हैं। तो चलिए कुछ तो कारण होगा, मर के कुछ अगर लेना चाहिए विशेष कारण। कारण ये था कि हमारी गलत पहचान, हम लोग बिहार में थे, संवैधानिक दृष्टिकोण से हम लोग बिहार राज्य में थे, लेकिन हमने बिहार को कभी स्वीकार नहीं, बिहार को हमने कभी नहीं स्वीकार किया। 1947 में भारत आजाद हुआ, वहाँ हम लोग उस समय भी जयपाल सिंह मुंडा आंदोलन कर रहे थे। जयपाल सिंह मुंडा के ठीक बाद विनोद बिहारी महतो, शिव सोरेन, उधर कॉमरेड एकेरा, इधर निर्माता का एंट्री होता है, चंद्र महतो का एंट्री होता है। तो हम लोग तो बिहार में रहने के बावजूद भी हमेशा आंदोलन किए कि हमको आपका बिहार स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं है? आप अलग टाइप के लोग हैं, आपका भाषा, आपका परंपरा, आपका हर चीज हमसे अलग है, हम आपसे टेरी नहीं कर रहे हैं। आखिर अपना अगर हम लोग गठबंधन करते हैं, दुनिया का रीत से गठबंधन होगा तभी संसार चलेगा, कि स्त्री और पुरुष में गठबंधन होता है। तो भाई उसके लिए मैच होना चाहिए ना, डेली करना चाहिए, लड़का और लड़की का कुछ ना कुछ डेली करना चाहिए, तभी तो हम लोग गठबंधन करते हैं। तो ठीक उसी पर आज तक बिहार झारखंड में कभी गठबंधन नहीं हो पाया, कभी डेली नहीं किया, हम लोग रहे हैं मजबूरन, बस उसका हिस्सा रहे हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन हमने कभी स्वीकार नहीं किया है कि हम बिहार का हिस्सा है, हमने सदैव आंदोलन किया है कि हमको अलग राज्य चाहिए जहाँ हमारी भाषा और हमारी परंपरा। तो अब चूंकि लड़ाई स्टार्ट हुआ था भाषा से, और भाषा हमारे राज्य में अलग राज्य में प्रमुख मांग थी हमारी भाषा, भौगोलिक स्थिति, हमारा पिछड़ापन, तो भाषा से ही आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं आज अगर हम लोग नहीं लड़ते, क्योंकि ये एक आम व्यक्ति तक संदेश जाना चाहिए, गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक। हमको तो एक फॉलोअप वही सवाल किया कि आप भाई ये तो शहर में रहने वाले पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट समझ रहे हैं कि क्यों जरूरी है 1932 का अधिनियम, क्यों जरूरी है नियोजन नीति, लेकिन आप बताइए गांव में जो एक मोड़ी महिला है जो कभी स्कूल नहीं गई है, अपना बूढ़ा व्यक्ति जो किसान किसानी काम करता है, उसको आप कैसे समझाएंगे कि खतियान अलग नीति आपके लिए जरूरी है, उससे उसको क्या लाभ होगा? आप साफ शब्दों में समझाएंगे तो वो हम लोग पूरी जाति को बताना कि भाई ये जरूरी क्यों है। आज अगर हम लोग इसको नहीं लागू करते हैं तो हमारा नुकसान क्या होगा? इसलिए ये मैसेज को लेकर लोगों को काम तो जाना, तभी परिवर्तन आएगा। हम लोग निश्चय देखिए, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, सब लोग दुनिया से कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, हम लोग समझते हैं एक बार सोशल मीडिया खोलेंगे बहुत सारा न्यूज हमको मिलता है, उसके हम लोग चार साल बैठ के चर्चा करते हैं क्या भाई क्या सही है क्या गलत है, आंकलन हम कर लेते हैं। लेकिन गाँव में ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया में नहीं है, जो दुनिया से बहुत दूर कटे हैं, जो खेती बाड़ी से ही मतलब रखते हैं, अपने जो रोजमर्रा का जीवन है उसी से मतलब रखते हैं। तो जब तक उन तक ये संदेश नहीं जाएगा, उनको जब तक आभास नहीं होगा कि हमें नुकसान कैसे हो रहा है या व्यवस्था को परिवर्तन आंदोलन करने की जरूरत क्यों है, तब तक शायद हम लोग का मंजिल नहीं होगा। तो मेरा यहाँ आने का मकसद और आप सबों के साथ बातचीत करने का मकसद भी यही था कि कोलहान में जो कोलांचल किया गया वो ठीक यहाँ भी लोग उसी प्रकार जागरूक हुआ। आज कोलांचल में आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आज इतना में लोग आपको सुधर चुके हैं, इतना गुस्से में है कि मैंने एक लड़का खड़ा होकर देखिए, आप देखिए वीडियो, कभी विधायक जी को अकेले विरोध करता है, कभी मंत्री का अकेले खड़ा होकर विरोध करता है, यानी उसमें साहस आ चुका है। तो वही साहस यहाँ भी, क्योंकि लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र में बदलाव नहीं होगा, अगर लोग अपने मत की शक्ति को नहीं समझेंगे तो संभव है कि हमें अपना हक अधिकार नहीं। आज देखिए आप जेपीएससी का मामला देखिए, बहुत सारे ऐसे विवाद सामने आ रहे हैं कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है, हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट सालों साल रांची में, तो कोई हजारीबाग में, तो कोई जमशेदपुर में एक कमरा लेकर बेचारा मेहनत करता है और फाइनली बाद में पता चलता है कि मैंने किसी को मंत्री जी का संबंध में कोई 30 लाख में डीएसपी बन गया है, तो कोई 40 लाख लेंगे, तो आगे देश कब तक चलेगा? इसलिए आंदोलन बहुत आवश्यक है। आज अगर ये आंदोलन आवश्यक, आपका कुछ दिन पहले हम जब आए थे यहाँ दौरा में, तो हमें टाटा मोटर्स की वैकेंसी देखे थे, उसमें हमने साफ शब्दों में लिखा था कि ओनली बिहारी कैंडिडेट्स आर अलाउड,
शायद अगर आप देखे होंगे पढ़े होंगे कोई वेबसाइट पर देखे होंगे तो सोचे कि मना कितना दुर्भाग्य, सोचिए हमारी मानसिकता कि किस प्रकार लोग आके हमारा शोषण कर रहे हैं, किस प्रकार ये लोग हमें गुलाम सोच रहे हैं। हमारा जमीन, हमारा घर, वहाँ कंपनी है और वहाँ निकाय के उन्हें बिहारी के लिए सर लगा। अरे ठीक है, आप बिहारी गुजराती बंगाली जिसको रहते छुपे छुपे तो कोई दिक्कत नहीं था, फिर भी इसी रहते डरा के तो धक्का देते, आप खोले आम प्रेस करके दे रहे, यानी वो एक सीधा तमाचा है गाल पर झारखंडियों कि भाई आपकी आपके झारखंड में आपकी क्या स्थिति है। कोई विरोध नहीं हुआ क्या उस कंपनी, अरे नहीं तो कम से कम 10 लड़का जाके एक मैंने विरोध प्रदर्शन तो करते, लेकिन नहीं, वे जान चुके हैं कि हमारी मेंटेलिटी लगभग लगभग अब छिन्न भिन्न हो चुकी है और हमें लड़ने की जो शक्ति वो धीरे धीरे घट रही है। तो भाई अब ये बताना होगा कि प्रधान आंदोलन की धरती रही है कि विरोध की धरती रही है प्रधान। आज मोटा मोटी अगर जितना भी हम आंदोलन को हम लोग पढ़ने जाते हैं, ढाल खोल विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह, सबको प्रधान कहे माटी से पलपा है, बार एक बार फिर से आवश्यकता है प्रधान को आंदोलन करने की। और हाँ, जो लोग जिस स्तर से आंदोलन में संयुक्त नेपाल देश से कदम बैठे उन्होंने कहा कि हम तो ठीक है ये अपने डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे, जो डायरेक्ट कर पाते हैं डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस आंदोलन की रूपरेखा को कोलान के नाम तक पहुंचाने का जिम्मा आपका होगा। क्योंकि देखिए आप मान के चलिए कोलांचल की टीम में चाहे मेरा व्यक्तिगत मामला है, बार बार आपका कोलान नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए हम लोग को एक चेन सिस्टम में काम करना होगा। हो सके समय लगेगा, तुरंत नहीं होगा, 4 महीने का आंदोलन है और 4 महीने में ही अगर आप सोचते हैं कि तुरंत बदलाव हो जाए तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बदला हुआ आपका कोलान का तो नहीं करते, लेकिन हम चूंकि धनबाद मुकाबले से है तो वहाँ देखें 22-21 साल के लड़का लोग जो आंदोलन भाग लिया था वो मुखिया और सरपंच चुना है, सरपंच को समिति बहुत ज़्यादा मात्रा में चुना, लगभग बहुत ज़्यादा संख्या में 21-22-23-24 लड़का चुन के आया है, यानी एक मैसेज आया है कि इस आंदोलन का प्रभाव बढ़ा है, बदलाव आया है। तो अगर हम लोग निरंतर प्रयास करते रहें, थोड़ा सा धीरज के साथ, तो निश्चय ही बदलाव आएगा और बदलाव के लिए राज्य भी तैयार है, झारखंड राज्य बदलाव के लिए तैयार है, और सबके लिए जो लॉ जली है, ये जो दीपक जला है आंदोलन का, इसे मैंने समाप्त करना और लोगों को मैंने ऐसा कन्विंस किया था कि उसको लगे कि हम लोग उसको ब्रेन वॉश नहीं कर रहे बल्कि उसे सच्चाई बता रहे हैं। इसे बहुत सारा लोग एक ब्रेन वॉश के तर्ज पर चलते हैं, बहुत सारा नाम लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारा संगठन है जो किसी को धार्मिक तो किसी को इस तरह से ब्रेन वॉश करके उसे अपनी ओर डाइवर्ट करते हैं, हम तो वास्तविक चीज़ों को उसके सामने रखते हैं कि हमारे साथ क्या नुकसान हो रहा है। सही बात है, हमारे लोग भी तो लगभग 20 लाख, एक बार हम लोग पूछ लेते हैं, हम लोग खुद सर्वे करते हैं, शायद रिजल्ट आएगा जो, और ये होना भी चाहिए। हम महाराष्ट्र में क्यों दावा करेंगे भाई, महाराष्ट्र मराठियों के लिए हम कहें दावा करेंगे, हम गुजरात में क्यों दावा करें, गुजरात गुजरातियों के लिए, गुजरात जो भी करें, तो ठीक उसी प्रकार जब हमारे लोग महाराष्ट्र गुजरात में दावा नहीं करेंगे तो वे लोग हमारे यहाँ दावा ना करें, इसके लिए कानून बनना चाहिए, इसके लिए हमें तैयार होना। हम तो किससे लड़ने झगड़ने नहीं जा रहे हैं, ना हम किसी के हक अधिकार को छीनने जा रहे हैं, हम अपने हक अधिकार को बचाने जा रहे हैं कि भाई मेरे हक अधिकार को दूसरा कोई ना छीने। अभी देखिए लास्ट में फाइनली जो कृषि विभाग का जो सर्टिफिकेट बांटा गया, पटना की कोई PC2 की लड़की है उसे PC1 बना दिया जाता है, मामला एक है, लेकिन हो सके आने वाले भविष्य में मामला जाग कर जाएगा, यानी हमारे लोगों के नियोजन से भी किस तरह वंचित रखने का सीधा प्रयास चल रहा है। बोकारो में एक भाई मिले थे, बोला कि हम तो शुरुआती दौर का JPSC कैंडिडेट थे, उस समय हम लोग चूंकि झारखंड के लोग थोड़ा कम, जैसे नया झारखंड मिला तो हमारी थोड़ा सा एजुकेशन कम नहीं मानना हो, अब थोड़ा हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए होते हैं, उनको केवल DL.ED माना जाता है, और जिस समय झारखंड अलग हुआ था उस टाइम में तो वो भी नहीं था, मोटा मोटी ग्रीसन जहाँ तक मेरा मैंने अनुभव है और जहाँ तक मेरी जानकारी है, यानी देख सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में पूरे भारत देश में टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन था, लेकिन झारखंड में ग्रेजुएशन प्लस BEd था, क्यों, वहाँ पर बहुत बड़ा एक सिंडिकेट काम किया था, क्योंकि झारखंड नया बना, BEd कॉलेज यहाँ नहीं थे, यहाँ के लोगों के पास BEd की डिग्रियां भी नहीं थी, नया झारखंड बना था, ये सारा सिंडिकेट क्या काम किया कि झारखंड में बाहरी जो आबादी है चाहे बाहरी जो लोग हैं टीचर बन के यहाँ आएंगे। तो बहुत इस प्रकार में सैकड़ों अगर हम लोग पेन पेपर और थोड़ा सा रिसर्च माइंड लेके बैठेंगे तो तमाम बाहर जो बहाली हो रही है उसमें इसी टाइप से लोग एंट्री कर, क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं IAS IPS लेवल के, देखिए पूजा सिंगल का मामला सामने आता है, तो वे लोग उसी माइंडसेट के साथ में बैठे हैं कि वैकेंसी कैंसिल होती है, 17 में आती है, फिर कैंसिल होती है, 19 में कैंसिल होती है, फाइनली अभी तक कुछ उसका उपाय नहीं हो पाया, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं झारखंड के लोग लोग उस लायक हो गए कि फाइट कर लेंगे, तो हम लोग उससे अच्छा है कि मैंने वैकेंसी ही ना दी जाए। JPSC 7 को JPSC आया है, जबकि बिहार में 67 हो चुका है, 70 साल अगर हुआ है तो 70 को मैंने उसका मोटा मोटी JPSC हो चुका है, जो कि 22 होना चाहिए।
तो एक ये समझने का फेर है हम लोग का कि हम लोग इन सब चीजों पर चर्चा ही नहीं करते। हमारा हम लोग सीमित है, मैंने एक किसी छोटा सा कंपनी है उसमें 10,000-12,000 रोजगार हम लोग सीमित है। तो बस एक बात याद रखिएगा, ठीक है देखिए जब हम लोग इंसान का जीवन लिए तो भाई कमाई तो चाहिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा 10-12 हजार तक हम लोग सीमित रहे और अगर हमारा ध्यान जहाँ से उच्च अधिकारी बनाए जाते हैं वहां अगर नहीं रहा, नीति नियमों वाली पर नहीं रहा तो फिर क्या करें। बाहर में तो ये लोग ऊपर में काम करेंगे, आपसे ऊपर वे लोग नियम कानून बनाने उनका, तो वे लोग तो ऑटोमेटिकली ऐसा ऐसा नियम लेकर ही आएंगे जो हमारे लिए अहित है। लैंड पुल भी आया था तो सुने होंगे, बहुत ज्यादा विरोध हुआ इधर के लिए था कि झारखंड के लिए होगा, जब नियम आया था विधेयक झारखंड के लिए, उसमें क्या था कि 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी गाँव आएंगे नगर निगम से सटा हुआ गाँव उनको सरकार अपने मनमाने तरीके से शहर के लिए शहरीकरण के लिए डेवलपमेंट के लिए उसको जमीन ले सकते, सोच सकते हैं। फिर पूछेगा आपका जमीन लेना तो पूछेगा भी नहीं, वो शहरीकरण के लिए आपसे जमीन ले सकती है, लीज पर ले, कॉन्ट्रैक्ट पे ले, जो भी ले वो ले सकती है लैंड पूल बिल के बाद। क्यों? क्योंकि वहां बैठने वाले एक बात शहर में आने वाले शहर में आपके लोग नहीं है, कोई कम्युनिटी झारखंड का कोई मूल कम्युनिटी है वो शहर में नहीं है, शहर का बात हो गया भाई। यानी बाहरी लोगों को बसाने के लिए इतना बड़ा सिंडिकेट काम करता है कि माने जेएमएम के गवर्नमेंट में भी लाता है लैंड पूल। तो ये चीजें लोगों को बताना थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि आज भी हमारे गांव में लोग शिक्षा को में अभाव है, फिर लॉजिक को नहीं समझ पाते, मगर बन चुका है कि मैंने वहाँ दिखाए तो सांसद बोलो पूछते भी नहीं, अगर एक तरफ अगर हम लोग के भाषा आंदोलन से जुड़ा हुआ 2 करोड़ का खड़ा रहता है और एक तरफ विधायक से विधायक फोन मैंने अपने आप लज्जा फील होता है मौसम निकल जाता है जैसा माहौल हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि वही माहौल प्रधानमंत्री बने, वही माहौल संभाल प्रधान बने, उन्हें जो आक्रोश होता है जनता का और आक्रोश पढ़ना भी लाजमी है। आज 22 सालों से क्या किया है, आज जितने भी हमारे विधायक मंत्रिमंडल गए 22 सालों में दिया क्या, अब तो सामने आ रहा है कोई शालिंग के नाम पर कोल माइन चला रहा है, कोई सलाह को देके बैठा है, तो कोई अपना अपना रिलेशन कनेक्शन ही सब लेके चल चल रहा है। अभी मोटा मोटी हमको लगा 3 या 4 लोग चुनाव सामने आए, बसंत सोरेन आ गए उनका सीट से हाई कोर्ट दिया, अभी जो मंत्री बने वो भी पिताजी का सीट में आए, आपका बेरमो से जयमंगल सिंह राजनाथ सिंह का सीट में आए, और अब शायद मांडा में भी वही होने जा रहा है, तो मंडल की बेटी है वो विधानसभा में टिकट लेकर आए, तो क्या मिला, केवल परिवार के अलावा कुछ नहीं मिला। परिवार के अलावा अगर लोग बात करते आदिवासी चेहरा, तो आदिवासी का भी कहाँ मना हुआ, यही बंधुत्र की जगह कोई गरीब आदिवासी को टिकट जाता बड़ी पार्टी का हुआ अगर विधायक बनता, तो इसलिए जो आग हम लोग वहाँ कोयलांचल से लगा है वो आग कोयलांचल जरूरी है, जरूरी इसलिए भी क्योंकि भाई हम लोग का सबसे पहला सवाल तो भाई झारखंड, सभी जानते हैं झारखंड बना है, लड़े हैं, झगड़े हैं, मरे हैं, कटे हैं, तो फिर झारखंड बना, लेकिन क्यों लिए, आखिर हम लोग तो मूर्ख नहीं थे, हमारे पूर्व तो मूर्ख नहीं थे भाई कि मैंने झारखंड लेने की इतना कुर्बानी, इतना मैंने अपना मरना पड़ा, कटना पड़ा, लड़ना पड़ा, उसको कारण पड़ा झारखंड लेने के लिए, जो मैंने मर गए भाई झारखंड लेने के लिए मर गए, लोग जीना चाहते हैं, हम मर चुके हैं, हमने मरना पसंद किया, तो उसको कारण होगा कि भाई झारखंड आते, तो आज भी हम लगाए कुरान में भी हजारों आंदोलनकारी जिंदा हूँ, हमको ऐसी किसी में से कोई आंदोलनकारी कोई बात समझे, अगर मेरी से भला होता तो दुनिया का सबसे खूबसूरत देश भारत है, चमत्कार होने वाला नहीं है, लॉजिक से ही बात कर रहा था। इसीलिए ये मैसेज, क्योंकि एक एक व्यक्ति को अपना आपको समझना होगा कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, झारखंड आंदोलन जिस प्रकार लोगों ने भाग लिया था, आप इस मूवमेंट का हिस्सा बने और कम से कम लोगों को बताएं कहाँ नुकसान हो रहा है, वैसे वैसे नुकसान हो रहा है, 2-4 एग्जाम्पल उनके सामने रखें, और निश्चय ही जो खासकर जो यंग जनरेशन है जो स्कूल कॉलेज तो गए हैं वे लोग और उनसे लोग थोड़ा समझेंगे, बेटर समझेंगे, और उनका दायित्व होगा अपने घर तक इस मैसेज को देखें, जो जब तक लोगों को ये ना लगे कि ये आंदोलन आपका है, ये आंदोलन आपके लिए, लोग नहीं जुड़ेंगे। आंदोलन को जन आंदोलन तभी बनाया जा सकता है जब लोगों को आभास हो इस आंदोलन में आपकी भूमिका हो, और आपसे इसका नुकसान अगर आंदोलन में सफल नहीं होता है तो नुकसान आंदोलनकारियों को नहीं आपको, आंदोलनकारी क्या नुकसान है, कोई व्यक्ति विशेष का जाति विशेष का आंदोलन तो है नहीं। इसलिए हमारा संदेश यही होगा कि आज जो परिस्थिति बनी है झारखंड राज्य में विकट परिस्थिति है, इससे निपटने के लिए, क्योंकि देखिए और चर्चा भी यही है कि लोग हो सके 32 का मांग उस समय पूरा हो जब सेटलमेंट हो जाए और बाहरी लोग को स्थायी मान लिया जाए, नया सेटलमेंट हो जाए, जिसे रिफ्रेश सर्वे हुआ था 1932 का, क्या उसको हम लोग कैडस्ट्रल सर्वे बोलते हैं,
वह पदत्यम सर्वे के माध्यम से 1932 के तथ्यांश तय किया गया था, यानी लगभग लगभग एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर वो सर्वे हुआ था, उसमें अपनी त्रुटि नहीं थी, यानी उसको पूरे भारतवर्ष ने एक्सेप्ट किया था। छत्तीसगढ़ भी 1932 को ही कटअप लेके चला है, बिहार भी 1932 को ही कटअप लेके चला है। तो अगर झारखंड में अगर ये स्थिति नहीं होती है, वे लोग अगर नए सर्वे और सेटलमेंट की बात करेंगे तो हो सकता है कि बाकी लोगों को सेटलमेंट में नया जो कंप्यूटराइज होगा वहां भी चल जाएंगे, तो फिर वहां 32 से खत्म लागू होने के बावजूद भी कुछ नहीं। तो इसलिए अभी समय है आने वाले दिनों में, क्योंकि हम अगर इतना हम लोग सोच रहे हैं तो ये एक बात याद रखेगा, वे लोग हमसे कहते हैं इस बात को आपको मानना ही होगा। वे लोग जो हमारे राज्य में अतिक्रमण करके आए हैं, चाहे बिहार क्षेत्र से आए हैं चाहे बंगाल क्षेत्र से आए हैं, मूल्यता दो मुहिम लेते हैं, ये दोनों हमसे तेज, एक तरफ सबसे आई एस आई पी से था और ये लोग सबसे कंपनी में इतना बाबू लोग आया यहाँ से, ये लोग पढ़े लिखे हमसे तेज है, लेकिन हमसे कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। हम लोग जो सोच रहे हैं कि कैसे अपने आप को बचाएंगे, ये लोग सोच रहे हैं कि कैसे हम अपने लोगों को यहाँ बसाएंगे। हम खुद को बचाने की सोच रहे हैं, ये अपने लोगों को यहाँ बसाने की सोच रहे हैं। इसलिए आज रिजल्ट के बारे में हम लोग को सोचना होगा, परिणाम हमारे पक्ष में कैसे आए, और चूंकि अभी हमने भी और हमारी टीम ने भी कहा कि अभी लड़ाई हम लोग पूर्णता संविधान की लड़ाई है, इसमें जरा सा भी कोई माने ऐसा हमारा स्टेप नहीं होगा जिससे कि माने कानूनों का उल्लंघन, लेकिन इसके बाद अगर वार्ता नहीं हो पाती है तो फिर हम लोग आगे की रणनीति थोड़ा सा पूर्ण करने के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए के लिए भी मान के चलिए मैसेज हमारा छोटा सा इंडायरेक्ट ये रहेगा कि कभी भी आंदोलन हम लोग पूर्ण रूप भी दे सकते हैं, क्योंकि कहावत है मरता क्या नहीं करता, चुप तो नहीं बैठेंगे, चुप बैठेंगे तो हमारा जो परिणाम होगा वो आने वाला दिन औपनिवेश यानी गुलाम भारत से भी बुरा हो जाएगा। तो यही संदेश लेकर और आप लोगों से भी समाये हुए हैं कि आज झारखंड आंदोलन में आप कोल्हान का अपार समर्थन चाहिए और मिला भी है, कोल्हान कोल्हांचल से ज़्यादा कोल्हान में लोग जुड़ने लगे हैं, लोग चिंतन करने लगे हैं, निश्चय ही हम लोग बदलाव की ओर रहे हैं। बाकी अगर आप लोग कुछ राय देना चाहें तो स्वागत करते हैं, धन्यवाद।